जय हिंद दोस्तों, कैसा हो आप सब। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वन वे 3.5 के पहले आपको वन वे 3.1.1 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वन वे 3.1.1 क्या रियल में आएगा, और अगर आएगा तो इसमें क्या कुछ आपको नया फीचर देखने को मिल सकता है, और कब तक ये आ सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, एक और चीज़ बताऊंगा कि 3.1.1 अगर अभी आएगा कुछ मतलब 2-3 महीने के अंदर, तो 3.5 या फिर 4.0 कब तक आएगा सारा कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखो, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 3.1.1 ये जो अपडेट आएगा इसका प्रूफ क्या है। आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी स्टोर के अंदर जाकर नाइस कैश सर्च करना है। देन इसके नीचे जो व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है, इसी के अंदर फर्स्ट जो फीचर है वहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हो वन यू 3.1.1 यहाँ पर लिखा है। मतलब ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो इससे प्रूफ होता है कि वन यू 3.1.1 का अपडेट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ नया फीचर हो सकता है। उससे पहले मैं बता दूं कि सैमसंग ये अपडेट क्यों दे रहा है। अभी सैमसंग में जो लास्ट अपडेट आया था सैमसंग एम सीरीज़ के फ़ोन्स पर, एम सीरीज़, ए सीरीज़, एफ सीरीज़, इन सभी सीरीज़ के फ़ोन्स पर जो लास्ट अपडेट आया था वो जून के महीने पर आया था। और शायद आप लोगों को पता होगा कि वन यू 4.0 का अपडेट जो एंड्रॉयड 12 के साथ आएगा वो अगले साल जनवरी या फिर फरवरी में आ सकता है। तो इस बीच बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, और इसी बीच अगर वन यू 3.5 का अपडेट आए फिर भी गैप बहुत ज़्यादा है। इसी गैप को कवर करने के लिए सैमसंग ने एक नया अपडेट वन वे 3.1.1 मतलब दे रहा है अभी। और अगर मैं फीचर की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली इस अपडेट के साथ आपको कोई नया फीचर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी फ़ोन में कुछ एक फ़ीचर कम है तो वो फीचर ऐड हो जाए इस अपडेट के साथ। जैसे कि अगर सैमसंग M21 की बात करें तो इस फ़ोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को नहीं मिलता, तो हो सकता है कि इस अपडेट के साथ ये ऐड हो जाए। और ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ। और नाइस कैच के अंदर आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो मीडिया वॉल्यूम म्यूटेड हिस्ट्री, मतलब आपका जो मीडिया वॉल्यूम है वो कितनी देर के लिए कब म्यूट हुआ था सब हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक नया फीचर ऐड हुआ है, मतलब होने वाला है वन वे 3.1.1 के साथ। और इसके अलावा उतना कुछ चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पर जस्ट नाम ही चेंज होगा, मतलब 3.1 के साथ 1.1 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और अगर कुछ मेजर चेंज देखने को मिलेगा भी तो आपको वो फ्लैगशिप फोन्स पर ही देखने को मिलेगा। मीडियम फोन्स में तो आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा कुछ मतलब न्यू फीचर्स सैमसंग नहीं देता अपडेट के साथ। चलिए अब बात करते हैं कि ये अपडेट कब तक देखने को मिल सकता है आपके सैमसंग फोन पर। तो अगस्त 3 में सैमसंग जी फोल्ड 3 आने वाला है, और उसी के साथ वन वे 3.1.1 ये आएगा। मतलब आपको फ्लैगशिप फोन्स पर, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स पर ये अपडेट अगले महीने देखने को मिल जाएगा। और जो मिड रेंज फोन्स है जैसे एम सीरीज, ए सीरीज और एफ सीरीज के कुछ फोन्स, इन सभी फोन्स पर आपको हो सकता है कि अगले महीने के लास्ट में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में ये अपडेट देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कब तक ये अपडेट आता है, और जब भी आएगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पर आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये अपडेट कब आने वाला है, क्या कुछ नया फीचर हो सकता है। और अपना ओपिनियन मुझे आप कमेंट सेक्शन पर बताओ कि सैमसंग को यह करना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि पिछले साल जो अपडेट आया था वन यूआई 2.1 के बाद डायरेक्टली 2.5 आया था, लेकिन इस साल 3.1 के बाद 3.5 आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। और अभी अगर मैं बात करूं कि वन 3.5 और 4.0 आपको कब देखने को मिल सकता है, तो 3.5 हो सकता है कि आपको अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए, और 4.0 अगले साल आपको देखने को मिलेगा आपके मिड रेंज फोन्स पर, वो भी एंड्रॉयड 12 के साथ वो आएगा वन वे 4.0, और हो सकता है जनवरी या फिर फरवरी में आए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।